समीर के परिचय के लिए सिर्फ कहूं कि बाजार ऊपर जाए या नीचे आए, हर सूरत में इन्हें पैसा बनाना आता है, तो वह काफी होगा। लेकिन आपको यह भी बता चलूं कि समीर अरोड़ा 1993 से 1998 के बीच अलायंस म्यूचुअल फंड के CIO रहे। इन्होंने 2005 में हीलियोस कैपिटल की स्थापना की। सिंगापुर स्थित हीलियोस कैपिटल इंडिया फोकस्ड लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग ओनली फंड और एक ग्लोबल लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड को मैनेज करते हैं। हीलियोस कैपिटल अब म्यूचुअल फंड कारोबार में भी उतर गई है। तो चलिए अब समीर जी से जानते हैं, जो अब एक FII और DII दोनों का नजरिया रखते हैं, कि अगली दिवाली उनकी नज़र किन सेक्टर्स और शेयर्स पर है। समीर, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और CNBC आवाज़ के साथ इस पूरे संवत जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये संवत आपके लिए बहुत शानदार रहे। बहुत थैंक यू वेरी मच जी, और सब दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। ओके, तो समीर, इस दिवाली पर आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपने एक अपना म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया है, मैं आया था उसको कवर करने के लिए, और उसका रिस्पांस भी आई एम श्योर काफ़ी शानदार रहा होगा आपका, और काफ़ी पैसा अब आपके पास आया होगा उसको लगाने के लिए, तो बताइए कैसा फील कर रहे हैं इस समय? तो जी, ये दिवाली तो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा जो मेरे को मैंने 2003 तक मैंने जो एंजॉय किया था म्यूचुअल फंड बिजनेस, उसमें वापस आए, और सेकंड है कि जो हमारे करंट फंड्स हैं इस साल NAV और आउट परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो ये तो बहुत बढ़िया साल रहा है। बट जनरली अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें लाइफ की, या मतलब वर्किंग लाइफ की, या मेरी छोड़िए मार्केट की, तो मोस्टली साल अच्छे होते हैं और वंस इन अ वाइल गंदे होते हैं, तो ओवरऑल आपको खुश रहने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। हाँ, देखिए आप तो हमेशा ही खुश रहते हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से इस साल फिर इस संवत में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं समीर, क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल रहा है मार्केट, खासतौर से लार्ज कैप्स में। तो एक्चुअली क्या है कि वो तो साइकिल होती है, कभी लार्ज कैप चलते हैं कभी स्मॉल कैप चलते हैं, और ओवर टाइम उनका फर्क होता है, लेकिन अगर वो आप बिल्कुल पीक टू बॉटम पकड़े इन अ साइकिल तब काफी फर्क पड़ जाता है, बट ओवर टाइम 1-2% पर एनम का फर्क पड़ता है, जो कि उतना रिस्क तो एक्स्ट्रा मतलब होता ही है ना स्मॉल कैप में फॉर इट टू डू अ लिटिल बेटर। बट अगर आप आगे जाके देखें, मुझे लगता है कि आप हमारे एनुअलाइज लास्ट 5 साल 10 साल 15 साल टाइप नंबर देखें, तो ये सब सालों में मार्केट का रिटर्न 13-15% रुपी टर्म्स में होता है, और अगर आपको अगले साल में लगे कि कम है वो ज्यादा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि लास्ट 1-2 साल बहुत हायर है उस रेंज से कि बहुत लोअर है। जैसे कि अगर 2-3 साल मार्केट नहीं चली तो आप कह सकते हो इस बारी शायद 13-15 से ज्यादा चलेगी, क्योंकि ओवरऑल तो घूम फिर के ये रिटर्न अर्निंग्स के थ्रू ले लें या GDP ग्रोथ से ले लें, मैच हो जाते हैं। अब क्या है कि इस साल जो NSE 500 का रिटर्न, नॉट जस्ट इंडेक्स निफ्टी का, वो भी कोई 10% है, 9 महीने 10 महीने खत्म हो चुके हैं। अगर आप लास्ट ईयर भी जोड़ेंगे तो 4% पूरे साल का रिटर्न था, तो लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न हमारे बहुत बिलो एवरेज है। अब इस साल के बाद अगले साल में 3 इवेंट्स या एटलीस्ट 3 इवेंट्स हैं जो मार्केट के फेवर में होपफुली जाएंगे। नंबर 1 की सेंट्रल इलेक्शंस हमारे खत्म हो चुके होंगे एंड मोस्टली BJP विल बी बैक, तो अगर कोई उसकी वेट कर रहा है तो वो हो चुका होगा, या पहले आप डिस्काउंट कर दोगे बट इट विल प्ले आउट। सेकंड, हम कह सकते हैं जो ऑलरेडी मैं 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि US इंटरेस्ट रेट्स पीक हो जाएंगे, अब तो लगता है हो ही गए हैं, बट पहले मैं कहता था अभी नहीं हुए तो 6-8 महीने में हो जाएंगे, 4-6 महीने में हो जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर वहां पे भी इंटरेस्ट रेट साइकिल का कट शुरू हो जाएगा। और थर्ड है कि अभी मैं टोक्यो भी गया था बीच में करीब 2 हफ्ते पहले, तो अभी बहुत इंटरेस्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ है फ्लोज में, एंड आई कैन सी दैट इंटरेस्ट। कि मेरे को कितनी मीटिंग्स पहले मिलती थी इन कॉन्फ्रेंसेज में फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, और इस मीटिंग में करीब 2.5 टाइम्स ज्यादा मीटिंग्स मिली होंगी। डज नॉट मीन कि 2.5 टाइम्स ज्यादा पैसे मिल गए एकदम, बट ओवर टाइम इंटरेस्ट से पता लग जाता है कि फनल बन रहा है, थोड़े दिनों में इंटरेस्ट हो जाएगा। तो वो जो चाइना से लोग दुखी हैं, वो दुखी तो हैं क्लियरली, लेकिन अभी उनके पैसे कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इन द सेंस कि वो भी कंफ्यूज्ड हैं, अभी डालें या बॉटम हो गया चाइना कि बहुत ज्यादा तो नहीं गिर गया। सेकेंडली, उनके अनलिस्टेड स्टॉक्स में बड़े पैसे फंसे हुए हैं, तो वो घूम फिर के मुझे लगता है इंडिया की पोजिशन उनकी भी आईज में बहुत इंप्रूव हो गई है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड। वो अभी 2-4-6 महीने में भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अगर उनको लगता है अनसर्टेनिटी, हमें नहीं लगता, इन सब चीजों से इंडिया का चलता रहेगा, और अभी लास्ट 2 साल में तो बिलो एवरेज चल रहे हैं, सो आई थिंक इट्स ऑल गुड। बिल्कुल। तो समीर, इस समय आप
कोई फ्रेश थीम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या, कि या फिर अभी जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ऑब्वियसली वो काफी आपके उससे चर्चा हुई है, लेकिन कोई फ्रेश थीम्स जो आपके दिमाग में हो इस तो समय? उसमें, हाँ जी, तो उसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो हमारे इंडिया में रिसर्च वाले हैं, पहले हम अपने पीएमएस वगैरह में 35 स्टॉक्स ओन करते हैं मोटा माटी, और इंडिया में म्यूचुअल फंड में उनका प्लान है करीब 50 स्टॉक ओन करने का। तो अभी आपको 12-13 स्टॉक्स नए नजर आएंगे, लेकिन अभी उनको खरीदने से दीजिए बेचारों को, तो दिसंबर सॉरी नवंबर 30 को ही हमारा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद आपको हमारे नए स्टॉक्स नजर आएंगे। उसके बाद उसकी भी बातें आप करिएगा, दिनशो से करिएगा, मुझसे करिएगा, जिससे भी करिएगा। बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप अभी इस समय कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या समीर अपने अभी कर रहे हैं उसमें? जी, म्यूचुअल नहीं, फंड अभी म्यूचुअल अभी फंड की तो हम बात क्लोज हुआ। करेंगे बाद में, लेकिन कोई अपने खुद के लॉन्ग शॉर्ट फंड में? नहीं तो मैंने अभी खुद के लॉन्ग शॉर्ट फंड में, मैंने अभी कोई एक दो, मैंने खाली एक लिया था, वो है HPCL, खाली मैंने वो लिया कि उसमें क्या था कि बीच में मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दी थी, तब मैंने लिया था, फिर बिल्कुल अराउंड वो 280 को 270 में मैंने बेच दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब पॉलिटिकल वो है कि भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये पेट्रोल की प्राइस हाइक नहीं करने देंगे, ये वो वगैरह। लेकिन अब मुझे लगा कि 4-5 महीने रह गए हैं, अब 4-5 महीने में अगर आपने उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी दी तो सब मार्केट वाले सोचेंगे कि ठीक है 4-5 महीने की बात है, उसके बाद फिर दे गेट बैक देयर फ्रीडम इफ एट ऑल दे डोंट गेट इट इन बिटवीन। सेकेंडली अभी मुझे ये नहीं लगता कि कोई बड़े ऑयल प्राइस भी बढ़ रहे हैं जिससे कि इनके ऊपर भी प्रेशर आ जाए, तो खाली एक इशू था कि स्टॉक बड़ा सस्ता है, लेकिन उसको इसके बीच में लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इलेक्शन क्योंकि क्लोज है उस वक्त, ये चीजें मुश्किल हो जाती है करनी अगर प्राइस हाइक वगैरह करनी हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि डिस्काउंट हो जाएगा अगर अगर 4-5 महीने की बात है, लोग कहेंगे डजंट मैटर इफ एट ऑल इट कम्स टू दैट, तो मैंने फिर वापस ले लिया। ओके ठीक है समीर, एक आपका एक व्यू रहा है कि लार्ज कैप आईटी आपने पूरी तरह से अवॉइड किया है, और हमने 2-3 खराब क्वार्टर देखे, अभी भी क्या वही आपका व्यू है कि अभी इसको अवॉइड ही करना है? तो उसमें क्या है जी, सिंपल स्टोरी है कि जो आईटी सेक्टर वाले अपने आप आपको बता रहे हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है, इन द सेंस कि वो अभी इंप्लॉयज को हायर नहीं कर रहे, यंग फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रहे। आपके आई थिंक इंग्लिश चैनल में मैंने देखा कि TCS वाले कह रहे हैं कि जी हमारी 15 दिन की विजिबिलिटी है फॉर बिजनेस, एंड सेकेंडली थर्डली जैसे जो भी नंबर बोले वो ब्रॉडली US की जो अर्निंग्स ग्रोथ, US का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है उनकी S&P 500 का, उसी को घूम फिर के आपको उस से 1-2% कभी ज्यादा मिल सकता है कि जी लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी में खर्च कर रहे हैं, बट ब्रॉडली वो नंबर अब रह गए 3-4%, मतलब प्रोजेक्टेड अर्निंग प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ फॉर US S&P 500। तो आप 5% कर लोगे, आप 6% कर लोगे डॉलर में, रुपीज में आप 8% कर लोगे, तो ये ठीक है लेकिन कोई बड़ा सुपर एक्साइटिंग चीज नहीं है, तो मैं यहाँ पे तो नहीं लूंगा, वहां का मुझे नहीं पता। ओके, यहाँ पर तो आप नहीं लेंगे। समीर, इस समय मार्केट में आपके हिसाब से रिस्क क्या है? एक सिर्फ एक इलेक्शन का रिस्क है या कोई और रिस्क भी है? दूसरे रिस्क मोस्टली जो रिस्क हमारी जिंदगी में हुए हैं वो हमें पहले समझ ही नहीं आए थे कि ये भी रिस्क होती है लाइफ के, जैसे बीच में एक डीमोन हो गया था जो पहले बड़ा रिस्क लगा, फिर उसके बाद ये अपना कोविड हो गया, उससे पहले कोई अटैक हो गया, कोई टेररिज्म हो गई, वॉर हो गई, असली जो रिस्क है वो ये कहने की हाई वैल्यूएशन लो वैल्यूएशन उस टाइप के रिस्क एक्चुअली है नहीं। आप पहले कह सकते हैं जैसे 2007 में आप कह सकते हो कि अब इन हाइंडसाइड या थोड़ा बहुत उस वक्त लाइव कि जी 3-4 साल से 40-50% मार्केट बढ़ी थी, फिर रिमेम्बर बिटवीन 4 एंड 7 मार्केट वुड हैव गॉन अप 4, 5, 6, हम 4 साल में कम से कम 40-45% पर एनम, और एक्चुअली हर साल बढ़ी थी, ये भी नहीं कि एक साल बढ़ के 3 साल नहीं बढ़ी और एनुअलाइज नंबर ज्यादा है। सो उस टाइप का भी रिस्क नहीं है कि भाई कोई बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेटिंग हो रही है, लेवरेज है, आजकल जैसे स्मॉल कैप्स में करेक्शन हुई तो उससे भी हमें किसी को नहीं लगा कि कल अब मार्जिन कॉल आ जाएंगी हमारे रिटेल इन्वेस्टर की या स्पेक्युलेटर की, तो उस टाइप के रिस्क तो कंटेन हो गए हैं, बट आगे लाइफ में क्या होता है उसका पता नहीं होता, लेकिन वो रिस्क उस वक्त के लिए सीरियस होता है। मोस्टली आपने देखा सारे रिस्क भूलभाल के लोग फिर 2-3 महीने बाद फिर शुरू हो जाते हैं, इसलिए बियॉन्ड अ पॉइंट उसके लिए प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते।
अगर कोई मोटा रिस्क आया फिर उसे डिसाइड करेंगे कि अब रिएक्ट करें कि ना करें, अगर कोई बड़ा ही सीरियस टाइप हुआ कोई ऐसा रिस्क। समीर, इस समय रुपी एक फ्रेश लो पर है और FIIs की तरफ से इंडिया में लगातार सेलिंग है, आपको लग रहा है कि ये सेलिंग यहाँ से और पिकअप होगी और हमारी मार्केट अब तक इसको इग्नोर करती आई है लेकिन आगे भी इग्नोर करती रहेगी? नहीं जी, मैं अभी अभी देखा जब आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज मैं तो फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मुझे नहीं लगा। सो अभी ईयर टू डेट इंडियन रुपीज डाउन 0.8%। अब 0.8% में फ्रेश लो लग रहा होगा बट कोई खास चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरी बेट ये है कि इंडियन रुपी में रिटर्न्स आगे जाके चेंज नहीं होंगे देन व्हाट दे वर इन द पास्ट, विच इज 14-15% पर एनम, जो कि मोटा माटी जस्टिफाई हो जाता है। और वो डॉलर में हमारे 3.5% पर एनम का हमारा लॉस हुआ, विच रुपी में मतलब, तो डॉलर वालों का इंडेक्स रिटर्न हो गया 10-11%। अब हम फॉरेन इन्वेस्टर को बोलते हैं कि जी रुपी रिटर्न तो उसी रेंज में रहेगा बट आपका डॉलर रिटर्न हो सकता है 1-8% हायर हो जाए, क्योंकि एक तो हमने देखा है कि स्पर्ट्स में डिप्रिसिएशन होती है हमारे रुपी की, तो लास्ट ईयर ही 10% डिप्रिसिएट हुआ था, वैसे 2-3 साल मुझे नहीं लगता होगा। सेकेंडली इन 6-9 months US इंटरेस्ट रेट्स कट होने शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी वो जो उसके कारण यील्ड के कारण लोग अगर डॉलर में डाल रहे हैं तो वो भी कम या मॉडरेट हो जाएगा। थर्डली इंडिया का वैसे देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं हुए हैं बट नई नई चीजें हमारी भी आ रही हैं, जैसे कि ये बिजनेस सर्विसेज, ऑफिस सर्विसेज, जो बैक ऑफिस वगैरह हैं ग्लोबल सेंटर्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, उनका रेवेन्यू 45-50 बिलियन हो गया है। एंड स्लाइटली लॉन्गर टर्म में हमारी मैन्युफैक्चरिंग अगर ठीक रही, PIL स्कीम रही, ये रही वो रही, तो थोड़ी और प्रोडक्शन भी इंडिया में बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम अदरवाइज इम्पोर्ट करते हैं, हमारे कम नहीं हो जाएंगे इंपोर्ट, लेकिन हो सकता है कि GDP ग्रोथ के हिसाब से थोड़े उसे कम हो जाए, बिकॉज थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर इन सेक्टर्स में हुई। सो आई डोंट थिंक कि आप ये 0.8% कैलेंडर ईयर 10 महीने हो चुके हैं उसमें आप इसको फ्रेश लो गिने, हम तो नहीं गिन रहे इसको, तो हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आप मेरे से 5 मिनट पहले पूछते कि इतनी डिप्रिसिएशन हुई है, मैं कहता पता नहीं हुई भी है कि नहीं हुई, अब मैंने देखा 0.8 है। चलिए एक काम करते हैं समीर, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे और बाकी कुछ सवाल और पूछेंगे थोड़ी सी देर में। मोंगिया स्टील। तो दिवाली आ गई है और दिवाली में अगर आप कुछ शेयरों का चयन करना चाह रहे हैं तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अलग अलग पिक्स आती है, तो आज आपके लिए एक हाउस व्यू यानी कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो अलग अलग स्टॉक्स जिन पर वो बेट करने की राय दे रहे हैं वो आप देख पाएंगे। सबसे पहला नाम आता है कमर्शियल व्हीकल स्पेस की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स का, 780 रुपये के टारगेट्स के लिए यानी पोटेंशियल अपसाइड रफली 20% के आसपास का वो मानकर चल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल स्पेस की कंपनी है, GLR के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है और एक अच्छी EBITDA ग्रोथ बनते हुए दिखाई पड़ रही है जो कि ट्रिगर के तौर पर वो यहाँ पर देख रहे हैं, इसीलिए उनकी तरफ से खरीदारी करके चलने की राय टाटा मोटर्स में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो 3500 रुपये के टारगेट्स के लिए यानी करीब करीब 20% का पोटेंशियल अपसाइड और यहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। कैपिटल गुड्स इंफ्रा का तो बड़ा ट्रिगर है ही, करीब करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी की ऑर्डर बुक और उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो L&T दूसरा नाम रहेगा। टाटा पावर एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, करीब 320 रुपये के टारगेट्स के लिए यानी रफली 30% के आसपास का अपसाइड, हायर लेवल से करेक्ट भी हो चुका है तो एक अच्छे वैल्यू तो यहाँ पर दिखाई पड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, करीब करीब 14,000 मेगावाट के आसपास ही कंपनी की कैपेसिटीज़ हैं और एक अच्छे वैल्यूएशन इनके आधार पर आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय PL रिसर्च की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है और एक अच्छे पोटेंशियल टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं। केमिकल स्पेस की कंपनी SRF करीब 2950 रुपये के टारगेट्स के लिए 35% का पोटेंशियल अपसाइड, वैसे भी केमिकल साइकिल बहुत डाउनवर्ड साइड पर है तो एक दिग्गज कंपनी है, पुराने कंपनी का कामकाज है, पुरानी मैनेजमेंट है, एक क्रेडिबल हिस्ट्री है और एक अच्छे वैल्यूएशन के साथ स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अगर आप बेट करना चाह रहे हैं तो SRF एक और ऐसा नाम हो सकता है जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड 35% के आसपास के वो देख रहे हैं।
एक्साइड ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी 300 रुपए के टारगेट्स के लिए करीब 20% का पोटेंशियल अपसाइड। पीएल रिसर्च मानता है कि ऑटो साइकिल बेटर साइड पर है और दूसरा कंपनी वैसे भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। उनका मानना है कि क्योंकि ये मिड डबल डिजिट के स्टॉक्स में करीब करीब 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और ऑटो साइकिल अगर पिकअप करती है स्पेशली ईवी साइड पर तो ये कंपनी के लिए बढ़िया ट्रिगर बनेगा, इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में एक नाम है CDSL 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए, हालांकि बढ़िया तेजी दिखा चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर 35% का पोटेंशियल अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएल रिसर्च। उनका मानना है कि जिस तरह से इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है वो मार्केट्स के लिए या फिर वो स्टॉक के लिए बढ़िया रुझान लेकर आ सकता है और वैल्यू कैचअप भी कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड अपने पीएस के साथ। तो एक और नाम BHEL कैपिटल गुड स्पेस की दूसरी दिग्गज कंपनी, पहले लार्सन एंड टूब्रो फिर BHEL, करीब 160 रुपए के टारगेट्स के लिए 25% का पोटेंशियल अपसाइड। यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की तरफ से है, साथ साथ एक मजबूत असेट बेस कंपनी का, करीब 225,000 करोड़ रुपए के आसपास की दमदार ऑर्डर बुक है और एक अच्छा असेट बेस है, इसके दम पर यहाँ पर खरीदारी कर चलने की राय। और आखिरी में कमर्शियल व्हीकल स्पेस की ही एक और कंपनी अशोक लेलैंड, 210 रुपए के टारगेट्स के लिए 25% का पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनका मानना है कि ये अच्छे वैल्यू तो यहाँ दिख ही रही है, साथ ही साथ जिस तरह से नए CVs की ग्रोथ है और एक अच्छे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है उससे भी कंपनी को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। तो ये तमाम स्टॉक जिनको आप दिवाली पिक्स के तौर से पीएल रिसर्च की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। एक धमाकेदार लाइव शो, मैं आज सूरत, लखनऊ, चेन्नई जाना है। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। 4-5 साल पहले जो शेयर्स लिए थे कुछ लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में है। तो मेरे पास 600 शेयर्स हैं, क्या इनको होल्ड ऑन रखना चाहिए? कौन सा टारगेट होगा कि ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो? बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। पार्शियल प्रॉफिट की मैं राय दूंगा, तो इन्होंने जो निवेश की थी पूंजी वो तो लौट आएगी और थोड़ा बहुत मुनाफा भी लौट आएगा। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवास पर। देखिए सबसे पहले कुछ लार्ज कैप की अगर बात की जाए जहां पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक अच्छे अपग्रेड्स आए हैं, जहां पर बुलिश हैं वो काफी, तो नाम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तमाम दिग्गज कंपनियों में सबसे पहला नाम है SBI का, 700 रुपए के टारगेट यानी करीब करीब 20% का एक पोटेंशियल अपसाइड मोतीलाल ओसवाल देख रहा है। उनका मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और साथ साथ जो एक सरकारी बैंकों का खेमा है उसमें सबसे वेल पोजिशनड वेल प्राइसिंग अभी आपको दिखाई पड़ेगी तो SBI के, इसलिए आप वहां पर दाम लगा सकते हैं। टाइटन दूसरा नाम है, नंबर्स तो अच्छे आ ही रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी परफॉर्म भी कर रही है। कैरेट लेन जैसे बढ़िया ब्रांड इनके पास ऑलरेडी शुमार है तो यहां पर एक अच्छे अपसाइड आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ज्वेलरी कारोबार में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, ऑर्गेनाइज में भी अनऑर्गेनाइज में भी, और साथ साथ बाकी कंपनी के कारोबार भी काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मानता है कि M&M पर भी आप बेट कर सकते हैं, करीब 1770 के टारगेट्स के लिए 20% पोटेंशियल अपसाइड यहां पर भी है। 65% वॉल्यूम जनरेट करती है कंपनी रूरल एरियाज में और वो अब अच्छी तेजी वहां पर देखने को भी मिल रही है और पैसेंजर व्हीकल्स जो है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है, तो बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर इसके लिए आगे चल के वो बन सकते हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल स्पेस से एक सिप्ला, इसके ऊपर भी आप बेट कर सकते हैं करीब करीब 1450 के टारगेट्स के लिए, यानी 17-18% का एक अपसाइड स्टॉक में। US मार्केट में एक अच्छे रिवाइवल, अच्छी ग्रोथ और साथ साथ ब्रांडेड जेनरिक मार्केट में भी कंपनी एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बात कर रहे हैं हम समीर अरोड़ा से। और समीर जी, अभी 2 दिन में मुहूर्त ट्रेडिंग आएगी और आपको तो खैर मुहूर्त ट्रेडिंग के काफ़ी मेमोरी होंगी, जब वो ओरिजिनल BSE में होती थी तब से, कोई एकाध किस्सा और कोई एकाध सीख अगर वहाँ से मिली हो। तो किस्सा ये है जी कि पहले सब हम कहते थे कि मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब है कि शेयर खाली खरीदने हैं, बेचने नहीं है। लेकिन फिर बीच में जब हम, पहले तो म्यूचुअल फंड में ये था, फिर FIA में हमारा ऑफिस बंद होता था तो हम मुहूर्त ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो बैक ऑफिस नहीं है उस वक्त, वो छुट्टी है, कभी यहाँ पे सिंगापुर में छुट्टी है नहीं तो इंडिया में छुट्टी है। बट बाद में मैं थोड़ा बेशरम हो गया, बाद में मैं मुहूर्त दिन वाले कई शेयर बेच भी आता था कि ये 3-4% लोग खींचने की कोशिश करेंगे इसको, तो मैं भगवान का नाम लेके कि इसको ऐसे ना ट्रीट किया जाए कि ये नेक्स्ट ईयर का मेरा व्यू है। बट आई यूज टू डू प्रॉफिट टेकिंग और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल ऑन अ डे व्हेन मेनी पीपल आई न्यू वुड ट्राई पुल अप देयर स्टॉक्स ऑन मुहूर्त डे एंड आई यूज टू बी ऑन द लुकआउट। अब फिर नॉर्मल टाइम हो गया क्योंकि अभी कोई ऐसा मेरे पास वो नहीं है, मार्केट में थोड़ी डिसिप्लिन ज्यादा हो गई है।
ओके तो इस मुहूर्त पे आप कोई एक कोई रूल है, कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है जो हमारे रिटेल व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं ऐसे अब आगे का क्या मतलब वैसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बट यही चीजें होती थी पहले तो. फॉर एग्जांपल ऑन मुहूर्त डे एंड ऑन बजट डे आल्सो टू डेज आई यूज्ड टू फ्लाई टू इंडिया व्हेन आई, मैं तो 25 साल से सिंगापुर रह रहा हूँ, तो उस वक्त आपका टीवी भी नहीं होता था क्लियरली कुछ पता लगे क्या हो रहा है मार्केट में क्या नहीं हो रहा है, तो आई यूज टू गो टू इंडिया एंड यू नो गो टू ऑफिस एंड वी वुड ऑल सॉर्ट ऑफ सिट टुगेदर. बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स ये सब चीजें बल्कि कम वो हो गई बिकॉज अब लोग अपने अपने घर से बैठ के अब तो जूम वगैरह एक दो बारी किया है, वरना खाली अपने आप प्राइसेस देख के मैं और ट्रेडर बात कर लेते थे कि कुछ करना है कि नहीं. एक्चुअली मैंने लास्ट 3-4 सालों से मुहूर्त पे ट्रेडिंग करी नहीं ऑन द बेसिस की बेचना चाहिए नहीं क्योंकि बुरा लगता है, और लेने वक्त भी हमने कहा कि अब यू नो सारे बैक ऑफिस वालों से काम कराओ कि सेटल करो मतलब ये इंस्ट्रक्शन को लॉग इन करो ये करो, वो हमने बंद कर दिया. तो एक्चुअली वो लेस हो गया है उस हिसाब से. जैसे दिवाली भी अगर आप देखेगा वो फायर क्रैकर्स आप कर नहीं सकते, आपको पोल्यूशन से डर लगता है, तो अब वो खाली फैमिली टाइप चीज बन गया. वो जो सेलिब्रेटरी पार्ट है वो ये रह गया कि आपने नए कपड़े पहन लिए, आपने मिठाई खा ली एंड अपने घर में पूजा कर ली. बट मेरे को तो लगता है मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस हो गया है द लास्ट फ्यू इयर्स फॉर मी. ओके मार्केट ऑन दैट डे मार्केट थोड़ा डिस्टेंस हो गया ऑन दैट डे. अभी भी मार्केट पहले तो मैं फ्लाई करके जा रहा हूँ उसी इवेंट के लिए और अब यहाँ से ही नहीं कर रहे था. नहीं नहीं खैर सब लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं और बिल्कुल सही बोला आपने इस बार तो पटाखों का वैसे ही बहुत बुरा हाल है और खासतौर से एनसीआर में तो बिल्कुल भी नहीं. तो समीर इस समय भी मार्केट थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ से शायद बहुत ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा शायद बेमानी होगा यहाँ से? गलत है, बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि अभी देखिए अगर बहुत ज्यादा आएंगे अगर आएंगे मेरे को लगता है लार्ज कैप्स विल आउट परफॉर्म बिकॉज ये ना सोचे कि हर साल कोई रिटर्न में है कि स्मॉल कैप्स हैव टू आउट परफॉर्म. एक्चुअली जब 3-4 साल पहले 2018 में कुछ 40% गिरे थे ये स्टॉक्स जबकि मार्केट नहीं गिरी थी, मार्केट वॉज अप 3-4% आई थिंक और 1%. सो ब्रॉड और लार्ज कैप्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ सकते. बट मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेशन इतनी जरूरत ही नहीं होती कि बड़े ज्यादा रिटर्न बनेंगे तब आपको मार्केट में इंटरेस्ट आना है. बेसिकली मार्केट आपकी बाकी चीजों से ज्यादा रिटर्न नॉर्मली हर एवरेज एनुअलाइज पीरियड में दे जाती है 4-5 साल के. तो अगर आपने ज्यादा बन गए तो हम ऑफकोर्स दोनों हाथों से लेंगे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से आप क्या चीज चेंज करोगे? अगर आपको पहले ही पता हो कि ब्रॉडली इक्विटी डज बेटर देन अदर थिंग्स, अब वो 20% भी बनाएगा तो सबसे ज्यादा है, फिर वो 40 बनाएगा उसके लिए आप पहले क्या करोगे? अपना घर बेच के थोड़ा डाल दोगे. सो देयर इज नो नीड टू थिंक ऑफ दोस थिंग्स. एक्चुअली जो यंग क्राउड है अगर वो ज्यादा सोचे तो उनको तो चाहिए ही नहीं ज्यादा रिटर्न. अब वो उनके पास पहली इंस्टॉलमेंट पहले 6 महीने से उन्होंने SIP शुरू की है, साल से शुरू किया, अभी 40% बढ़ गया, उनको क्या मजा आया? इनफैक्ट जब मेरे पास 10% भी कैश होता है मेरे फंड में, मैं कहता हूँ यार भी मार्केट ना पड़ जाए थोड़े दिन, मुझे जरा इन्वेस्ट करने दीजिए. सो दैट इज हाउ इट शुड बी व्यूड कि इफ इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग करियर, आप एकदम पहले 6 महीने में ज्यादा रिटर्न बना के आपको फायदा कम होगा ओवर टाइम. ओके तो ये लार्ज कैप चल क्यों नहीं रहे हैं, खासतौर से लार्ज कैप बैंक्स क्यों नहीं चल रहे हैं समीर? एक्चुअली लार्ज कैप बैंक्स भी नहीं चल रहे, लार्ज कैप IT नहीं चल रही इसलिए. और लार्ज कैप जो कंज्यूमर है वो लीवर्ड है वो भी नहीं चल रहे इसलिए स्मॉल कैप की तरफ इतने पैसे आ रहे हैं, मिड कैप में इतने आ रहे हैं. लेकिन अगर आप देखिए मैं PMS में परफॉर्मेंस देख रहा था फंड्स की, वो डालते हैं कि हमारे पास 80-90% स्मॉल कैप में, उनका अपना इंडेक्स जो वो यूज करते हैं वो 500 का करते हैं विच इज 70% लार्ज कैप, इसलिए सब वो लोग बड़े खुश हैं कि हम अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं. बट ओवर टाइम द डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अभी आप 4 साल पहले देखिए कि लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स में 40% का डिफरेंस था बिकॉज दैट इंडेक्स वेल 40 एंड दिस इंडेक्स वाज अप 3-5%. तो ये घूम फिर के नहीं होता ऐसे कि खाली एक तरफ का हो या एक ही कैप की चीजें चल रही. इनफैक्ट मैं तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, आई सॉ कॉमेंट्स ऑन इंटरव्यू बाय प्रशांत जैन, वो कहते हैं स्मॉल कैप रिटर्न विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग. हम ये नहीं बोलते, हम कहते हैं कि लार्ज कैप विल डू वेल, आगे हमें नहीं पता. नहीं लेकिन स्मॉल कैप में इस समय बबल है क्या फिर समीर, या SME में?
कुछ चीजों में बबल है, 100% बबल है। अब आपने ये जो कंपनियां जिनके ये लिस्टिंग हुई कई कंपनियों की, वो आपको ब्रॉडली पहले से ही पता है कि दे कैन नॉट डू वेल। अब कोई फंड मैनेजर को 2 मिलियन का 1 मिलियन का कोई मिल गया, उसका उसको क्या है, मतलब इन द सेंस ही कैन बाय इट लेटर आल्सो। या तो कोई बोले कि मेरे को जी 50 मिलियन का बिजनेस वो चाहिए था पोजिशन, तो वो मैं बाद में ले नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने पहले ले लिया। अगर आपको उतने का मिलना है जितना नॉर्मल डे में ट्रेडिंग में आप आराम से ले सकते हो, फिर आपको क्या जल्दी है इन सब चीजों को करने की। सो दिट इज हैपेंड इन मेनी स्टॉक्स, मेनी स्टॉक्स, नॉट जस्ट दिस मोर रिसेंट वन बट मेनी स्टॉक्स, दैट इट इज बेसिकली आप पीई और उसको एग्जिट दे रहे हैं। अब मेरा क्या है कि मैं थोड़ा बेशरम टाइप का हूं, मैं पेटीएम को 2000 रुपए पूरा क्रिटिसाइज करता था और 500-600 में मैंने कहना है बहुत बढ़िया है। सो आराम से ये सब आ जाती है। अगर एक नहीं भी आएगा, सपोज एक मिस हो गया, वो 2000 का 2200 हो गया, तो क्या हो गया फिर, 3000 नहीं हो सकता था उस वक्त, तो आप 40% नहीं मिस कर रहे थे, वो उसका 5-10% बढ़ जाता, फिर वही रहता, फिर आप 3 साल बाद हम भी कहते चलो जी ठीक है नई प्राइस पे। बट मेनी ऑफ देम में आपको ये नहीं देखना है कि मेरा नुकसान क्या है, आपको देखना है कि इसमें क्या हो जाएगा अगर आपने नहीं लिया। कुछ नहीं होता कहीं में, कोई 80p के स्टॉक घूम रहे, क्या कर लोगे आप उसका, अगर आपने ले लिया तो फिर क्या बना लोगे। बट खोने को 20-30% और टाइम। सो इसलिए हम जब शॉर्ट करते हैं हम कहते हैं कि बढ़ ना जाए, घटने का हमें नहीं चाहिए। सेम थिंग ऑन द लॉन्ग साइड जब हम छोड़ते हैं हम कहते हैं कितना बढ़ जाएगा अगर हम बढ़ भी गया तो, एंड दैट इज अ बेटर फॉर्मूला देन ट्राइंग टू मेक द लास्ट 10%। अगर आप ये जो नए आईपीओ हो कितने बढ़ जाएंगे आपके हिसाब से, बिल्कुल पहले तो वैसे ही ऑब्सीनली प्राइस लग रहे हैं और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नथिंग मच। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा गुरु मंत्र बोला आपने, ये एक लास्ट वाला और ये एक इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग था। समीर फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत शानदार संवत रहे आपके लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू। बेस्ट ऑफ लक का, चलिए फिर इस नोट पर इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। आप सबको एक बार फिर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। Sona, saving and Samriddhi, an investor education initiative. एक नहीं 10 वजह हैं कि आपको सोने में निवेश करना चाहिए। अगर देखें तो 5-10 सालों में सोने ने आपको काफी अच्छा मुनाफा कमा के दिया है। पिछले एक साल में ही सोने ने आपको 20% के रिटर्न्स दिए। यही नहीं, सोने को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक माना जाता है। सोना एक ऐसा लिक्विड एसेट है जिसे आप विश्व में कहीं भी कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, तो सोने को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें क्योंकि इसमें रिस्क तो कम होता है लेकिन मुनाफा काफी ज्यादा। तो इस दिवाली आप भी सोने में निवेश कीजिए और समृद्धि की तरफ कदम बढ़ाइए। छोटी कंपनी बड़ा मौका, बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी लगी जो लिस्टिंग के लिए आया है। ऐसे में वर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी, करीबन 30 करोड़ के आसपास का महीने का ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारे, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ के 40-50 करोड़ पे मंथ पहुंच जाएगा। और SME के राइजिंग स्टार्स, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हमारा आज के डेट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। देखिए SME कॉर्नर इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। Sona, saving and Samriddhi, an investor education initiative. Gold एक globally traded commodity है और इसलिए इस